हेलो बच्चों तो हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी के ऊपर बेस्ड है क्या है ये एक्सप्लेन वाई द इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी ऑफ फ्लोरिन इज़ अनएक्सपेक्टेडली लेस देन द क्लोरीन तो इसमें बताना है आपको जैसे हमें हमें क्या ट्रेंड पता है अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं लेफ़्ट टू राइट जैसे ही पीरियड्स में जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो गेन इन है वो क्या होती है इंक्रीज होती है पर अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन इन है वो क्या होती है डिक्रीज़ होती जाती है तो ये हमने पढ़ा है पर यहाँ पे ये यह एक्सेप्शनल है कि क्लोरीन है क्लोरीन का जो आ, इलेक्ट्रॉन गेन इनथेरेपी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू फ्लोरिन ठीक है तो ये क्यों होता है तो पहले तो हम हेलोजन का लिख लेते हैं क्या होता है हेलोजन ग्रुप फूल फूलों कलियों बहार ओ इंडिया आओ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आइडेंट एस्टेटाइन ठीक है अब ये जो क्लो फ्लोरिन है फ्लोरिन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो माइनस टू ट्वेंटी एट मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है वो आती है माइनस थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एट ठीक है और जो क्लोरीन है क्लोरीन की जो वैल्यू है वो आती है माइनस थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन तो अब इस वाले केस में पूछा है कि ऐसा क्यों होता है इसकी वैल्यू कम आती है इसकी ज़्यादा आती है और तो चलो डाउन द ग्रुप और डिक्रीज ही आएंगी वैल्यू जैसे माइनस थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और आयोडीन की है माइनस टू हंड्रेड नाइन्टी फाइव और माइनस टू हंड्रेड सेवेंटी सॉरी सेवेंटी ठीक है तो इन वाले केस में ऐसा क्यों होता है ये एक्सेप्शनल है क्यों है क्योंकि देखो न, आपको पता है जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है नाइन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव ठीक है और जो क्लोरीन है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है सेवनटीन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी कितने हो गए ये टेन uh, और ये फाइव ठीक है तो ये आ गया uh, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सॉरी ये आ गया फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन और ये आ गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ठीक है तो उसके बाद क्या होता है जो फ्लोरीन है देखो यहाँ पे फ्लोरीन बना रही हूँ मैं फ्लोरीन का uh, कैसे आप फिल करोगे टू इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे सेवन इलेक्ट्रॉन ठीक है यहाँ पे सेवन इलेक्ट्रॉन ये आगे फ्लोरीन का अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को शेल में जो बरी ने जो रूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग अगर हमने फ़िल करना है तो ऐसे फिल करेंगे और यहाँ क्लोरीन के केस में इस शेल में तो एट इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे और नेक्स्ट शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन अब क्या होता है जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से लाएंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसमें देखो यहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन है ठीक है यहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगी बहुत ज़्यादा ठीक है और यहाँ पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत कम होगी जिसकी वजह से क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन नेगेट जो इलेक्ट्रॉन गेन इन की जो वैल्यू है क्लोरीन के केस में वो माइनस थ्री फोर्टी नाइन आती है और फ्लोरीन के केस में माइनस थ्री ट्वेंटी एट आती है ड्यू टू स्मॉल साइज ठीक है तो इसका रीज़न अगर हमने पेपर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे दिस इज दिस इज ड्यू टू ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज ठीक है फ्लोरिन का साइज छोटा होता है एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स स्मॉल साइज ऑफ इट्स स्मॉल साइज द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपलसन the electron electron electrons repulsion electron electron repulsion is relatively compact 2p subcell 2 पी सबसेल में क्या होता है बहुत ज्यादा मतलब इकट्ठे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब और उसमें क्या होगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगी बहुत ज्यादा टू पी सबसेल में क्योंकि ये छोटा है ना साइज़ इसका टू पी सबसेल आर कंपेरिटिवली Large and hence incoming, hence incoming electron is not ex not accepted, not accepted with the same with the same. सेम इज इज मतलब इजीली एज इन द केस विथ क्लोरीन ठीक है हेंस इलेक्ट्रॉन गेन इन थेलपी ऑफ क्लोरीन इज अनएक्सपेक्टेडलीस देन द क्लोरीन ओके आई होप आपको समझ आया होगा वीडियो समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू